Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Okay student. Student, जैसे सपोज कीजिए एक कार है, ओके, कार ट्रैवल कर रही है और उसके साथ साथ कोई पर्सन जो है बॉयज़ साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, सो कौन आगे निकल जाएगा, कौन तेज मूव करेगा, यानी दोनों की पोजीशन तो चेंज हो रही है, ओके, सो कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है, यह हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसकी स्पीड से, कैसे पता चलेगा, उसकी स्पीड से, यानी जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो क्या, सॉरी, जिसकी स्पीड ग्रेटर होगी वो बॉडी फास्ट कहलाती है और जिसकी स्पीड स्लो होती है वो बॉडी क्या कहलाती है, वो बॉडी क्या कहलाएगी जिसकी स्पीड स्लो होगी, यानी वही बॉडी जिसकी स्पीड कम होगी वो बॉडी स्लो कहलाती है, ओके, सो स्पीड हमको क्या बताती है कि बताती है कोई भी बॉडी कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है और कितना स्लो ट्रैवल कर रही है. फास्ट ट्रैवल का क्या मतलब है, यानी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, फास्ट ट्रैवल का क्या मतलब है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कम टाइम में, है ना. अगर कोई बॉडी मान लेते हैं, अगर कोई बॉडी 10 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल कर रही है, इसके अलावा कोई अदर बॉडी है वो 10 सेकंड में 200 मीटर ट्रैवल कर रही है, सो कौन सी बॉडी फास्ट है, एक बॉडी फास्ट है ना, बॉडी बी फास्ट है एज कम्पेयर टू बॉडी ए, ओके, सो स्पीड को हमको क्या बताती है कि कोई भी बॉडी जो है कितना फास्ट है और कितना स्लो है, ओके, सो किसी बॉडी की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बॉडी जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम में, दिस इज उसकी स्पीड क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी स्पीड का जो मीजर हम करते हैं वो करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ओके, पर यूनिट टाइम, अगर ट्रेवल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें हम, तब हमको क्या मिलेगा, स्पीड, ओके, यानी कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. अब देखिएगा यहाँ पर जो इसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ओके, कितने टाइम में, 10 सेकंड में, सो इसकी जो डिस्टेंस हो जाए वो स्पीड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये ईच सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर रही है. इसके अलावा जो फर्स्ट बॉडी थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 100, कितने टाइम में, 10 सेकंड में, सो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर, ओके, सो स्पीड ये क्या है, मीटर पर सेकंड, ये क्या होता है, स्पीड का मेजर यूनिट होती है, यानी हम यूनिट क्या होता है, जिस वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम को नापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम यूनिट, जैसे मास, द्रव्यमान को हम काय में मेज़र करते हैं, केजी में, या लिक्विड को हम काय में मेज़र करते हैं, लीटर में, सो दिस इज़ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, सो स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है स्पीड, ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. सपोज कर लेते हैं कोई बॉडी है एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी यहाँ से चल के एस डिस्टेंस ट्रेवल की और कहाँ पहुँच गई, पॉइंट बी पर पहुँच गई, ओके, सो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी टाइम ले रही है, कितने टाइम ले रही है, टी टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ओके, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर. स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ओके, आपकी जो मोटरसाइकिल या कार वगैरह में जो स्पीड को मीज़र करता है, कहते हैं ना कि आप 50 पे गाड़ी भाग रही है, 100 पे गाड़ी भाग रही है ना, सो वो जो स्पीड को मीज़र करता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीडोमीटर, कैसे मेज़र करते हैं हम, स्पीडो मीटर से, ओके. इसके अलावा गाड़ी में एक और डिवाइस लगा होता है, वो क्या करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को मेज़र करता है. जैसे हम पहचान लेते हैं कि गाड़ी हमारी 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर गई है, 2000 किलोमीटर चल गई है ना, वो जो चीज़ हम नापते हैं वो कैसे नापते हैं हम, ओडोमीटर से, क्लियर.
यानी ओडोमीटर क्या नापता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को नापता है, और स्पीडोमीटर क्या नापता है, स्पीड ऑफ कार और मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है ना। सो ये जो स्पीड को मेजर करता है वो करता है किलोमीटर पर आवर में, यानी गाड़ी कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओके, और ओडोमीटर भी जो डिस्टेंस मेजर करता है वो किलोमीटर में मेजर करता है कि आप एक गाड़ी अभी 10 किलोमीटर चल गई है, 50 किलोमीटर चल गई, या 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर गई है। ओके, इसके अलावा बहुत आपने स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी भी किसी को डाउट है पता कर सकते। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।